थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि मैं क्या करा लूँगी। आपका मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट शुरू किया है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। तो महाद्वीप को तो वैसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं आते हैं, पहली बात तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें इंडियन जियोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड जियोग्राफी से पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी से आपको क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन मिले थे, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा एग्जाम होने का मन हुआ आपको दे नहीं पाता। तो एशिया मैंने लिखा दिया था आपको थोड़ा बहुत और बता नहीं दिया था उसमें क्या क्या करना है। अब यूरोप पे आते हैं, तो यूरोप लिखें सबसे पहले यूरोप का उपनाम, इसका उपनाम है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला है ना।
सभी क्या चीज़ें इतनी लग गई अच्छी सारा सबका डिफरेंस आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं Thank you.
यूक्रेन की बात लिखी है रोमानिया। इन सब की कैपिटल्स आप लिख लेंगे, मैं आप देख लेती हूँ। इसके बाद लिखिए डेन्यूब के किनारे पर स्थित राजधानियां। गल्फ स्ट्रीम जब तारा का पोस्ट है,
बारिश से डूबी हुई मछली सूर्य ऐसे है, सूर्य की किरणें ऐसे पृथ्वी पड़ रही हैं, तो जो भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा पर ही सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। मीन्स भूमध्य रेखा वाला जो पार्ट क्या है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ध्रुवों वाला पार्ट ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरी धूप नहीं पड़ती, भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट धूप पड़ती है। तो भूमध्य रेखा क्या है, वो ज़्यादा गर्म है, इसीलिए भूमध्य रेखा से जो प्रवाह हो रहा है ध्रुवों की तरफ वो गर्म वाला प्रवाह है, और जो पोल से वो तो ठंडे हैं, सबको मालूम है कि जो ध्रुव है दोनों वो ठंडे हैं, तो उधर से जो इधर की तरफ धाराएं आ रही हैं वो कैसी है, वो ठंडी है। रीजन, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों पर सीधी नहीं पड़ती हैं, कहाँ पड़ती है सीधी, भूमध्य रेखा पर पड़ती है सीधी, तो जो भूमध्य रेखा वाली धाराएं हैं ये वाली ये गर्म जल धाराएं हैं, जो ऊपर वाली है वो ठंडी जल धाराएं हैं। इसको हम कर रहे हैं डिटेल में, अभी तो बस मैंने आपको ये सब आया है इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हम अपना बहुत सा समय ऐसी चीज़ों पर लगाते रहते हैं जो कि हमारे एग्जाम
आप सारा कुछ याद कर सकते हैं, उतनी चीजें जितने टेक्स दुनिया में अवेलेबल है ना, तो वो सारा आपको याद हो सकता है ना ही वो सारा याद करके आपका एग्जाम लग जाएगा या प्रश्न लिखने में। बहुत बार ऐसा होता है हमने याद कर दिया और पेपर में गए, हमें याद नहीं, वो चीज़ एग्जाम में नहीं हो, नहीं याद फिर अपने आप। तो जैसे कि मैंने बुद्धिस्ट में पढ़ाया था, मैंने बताया कि समझ में आया, सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस कीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं आती, तो वो अच्छी पोस्ट पर है। तो एक बहुत अच्छी सी मुझे कोट याद आ रहा है, विद्वान बनने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ उतना कीजिए जितना आपके काम का है। आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस एग्ज़ाम में 13-14 सब्जेक्ट हैं, जीएस जनरल स्टडी में 14 सब्जेक्ट्स, तो क्या आप 14 सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। और ना तो आप चल मान लो पढ़ भी लो, फिर मैथ का पेपर नहीं निकलेगा, मैथ भी तो आता है इसमें, इंग्लिश आती है, अगर आप जीएस पर ही फोकस रहेंगे तो वो भी कुछ नहीं निकलेंगे। तो आपको बैलेंस पढ़ना है, मीन्स जो चीज़ जितने नंबर की आ रही है उसको उतना ही समय दीजिए, उससे ज़्यादा समय उसको मत दीजिए। वरना क्या होता है कि फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते हैं और डिप्रेशन और ऑल दैट सारी समस्याएँ जो है वह घूमने लगती हैं। लेकिन उसकी शुरुआत हम खुद ही करते हैं ना, उसकी शुरुआत हम खुद कर रहे हैं। मीन्स हमें जिस चीज़ को जितना समय देना चाहिए हम उसे ज़्यादा दे रहे हैं समय, और जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं। मीन्स डिसबैलेंस होता है, और जहाँ असंतुलन होगा वहाँ सफलता नहीं होगी। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने टाइम को, अपनी स्टडी को बैलेंस रखें। किसी भी चीज़ को जितने ज़्यादा के वो लायक है उतने समय उससे ज़्यादा समय उसको मत दीजिए। ठीक है, उस समय को, उस एनर्जी को आप वहाँ दीजिए जहाँ उसकी और आवश्यकता है। तो वही चीज़ है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अगर थोड़ा सा बताने के लिए आपको, तो वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ पढ़ते समय यह देख लेना है कि इसके कितने नंबर हैं हमारे एग्जाम में, और तभी कीजिए। क्योंकि आपका दिमाग भी तो कभी ठीक होगा ना, मान लो आप ज्योग्राफी सारी पढ़ लो क्वालिटी लग जाए फिर तो कभी ठीक लगेगा। तो आपको बैलेंस रखना है अपने आप को, और अपना समय और अपनी एनर्जी बराबर मात्रा में बराबर चीज़ों पर लगाती है, इसको डिसबैलेंस नहीं होने देना। ठीक है, और मैंने ऐसा कि आपसे बोला कि आप एग्ज़ाम को पेपर लगाते रहिए, वो मैंने क्यों बोला है कि जब आप 5-6 पेपर लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किताब में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी आपको याद रखनी है। वो पेपर पहले से आइडिया हो जाता है, पेपर पढ़ने से जो आप एग्जाम्स दोगे और जो भी आप प्रैक्टिस सेट कराओगे उससे आइडिया हो जाता है। तो वही चीज़ें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते सब लोग हैं पर कौन सा रखना होता है रीज़न वही है बैलेंस, जहाँ बैलेंस होगा वहीं आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, कितनी भी मेहनत कर लो। तो वही चीज़ है, मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। तो इतना बोल रही हूँ आज, चार चीज़ तो आपको याद हो गई होगी, अफ्रीका में और सारा पर्सन में है ना, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका जो विश्व का ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिसे तर्क और मतलब दोनों में फैंट करती है, तो लिख लेंगे
अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे ज्यादा गर्म स्थल है जो कि अफ्रीका का कंट्री है लिबिया इसमें स्थित है। तो लिख लेंगे अफ्रीका महाद्वीप में Bye.
यूरोप और एशिया का जनसंख्या है। Thank you.
कृष्णपट्टनम के जो घास के मैदान है वो सवाना है, इस हिसाब से सवाना की लोकेशन कहाँ होगी, इस वाले हो जाए है ना। और जो बेल्ट है बेल्ट की लोकेशन कहाँ होगी, इस वाले हो जाए है ना। अब आपको ग्लोब बनाकर टिक करना है कि इसमें सवाना किधर है और बेल्ट किधर है, ठीक है अपने आप। और इसके लिए आप थोड़ा सा सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद टिक लगाएंगे अफ्रीका में सवाना किस साइड पड़ते हैं और बेल्ट किस साइड पड़ते हैं, ठीक है उससे आपको याद हो जाएगा। Thank you.
Majhai. मझाई मझाई लिखिए पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज हैं युगांडा और केन्या कंट्रीज हैं युगांडा और केन्या फिर लिखिए बदबू बात करेंगे।
इसके लिए मैंने आपके लिए करवाया है आपको, और स्पिनर है कहाँ मिस्टर है, इस साइड क्या है या नीचा है, उधर क्या है वो एशिया है, ठीक है, उधर न्यूशन है ये सऊदी अरबिया है। वैसे ये तो मैंने ऐसे ही लिखवा दी है कि आपको बहुत आइडिया है, वो रोक नहीं आएंगी, बस मैं तो ये आपको ट्रेड आपको दिखाना था कि कैसे स्विन है, कैसे जो है हेल्पफुल है, बस ट्रेड के लिए मैंने करवाया है, नोट कर लेना है ना। हाँ एक चीज़ और आएगी इसमें तो नील नदी पर जो है एक बांध बनवाया जा रहा है ग्रैंड रेनेसा बांध। अब क्योंकि वो विवादित बांध है, मिस्र उस बांध को बना रहा है और इथियोपिया उससे लड़ाई कर रहा है, रीजन वही है कि आप नदी का पानी ले लो गए हम आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और जैसे जो चीज़ें होती हैं हालांकि वो बहुत डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो नील नदी पर बनाया जा रहा है और मिस्र उसको बनवा रहा है और इथियोपिया का उससे जवाब है, ये चीज़ आपको तो लिखेंगे। Oh.
Thank you.
की बात कर रहे हैं तो हॉलीवुड की बात करना है इसको मिल नहीं सकता। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मूवीज के उदाहरण दे देंगे आप लोगों को समझाना। तो हॉलीवुड का नाम तो आप सभी सुना होगा, तो हॉलीवुड के लिए हम थोड़ी सी बात करें तो एक्चुअल में हॉलीवुड एक जगह का नाम, ठीक है, और वो जगह है अमेरिका में। अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जैसे हमारे यहाँ स्टेट है ना यूपी है एमपी है, ऐसे ही अमेरिका का स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजल्स, मतलब स्टेट के अंदर शहर, उसमें हॉलीवुड स्थित है। तो लॉस एंजल्स की अगर हम बात करें तो आप लोग ट्वेल्थ क्लास में होते हैं तो ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर है पेन पाल, उसमें लॉस एंजल्स का नाम आता है। उस जो राइटर है पेन पाल का उसको लव लेटर्स वहाँ से लिखते हैं लॉस एंजल्स से। वो जो लड़की वहाँ जो लड़की नहीं सर लेडी वहाँ जो रहती है वो लॉस एंजल्स में रहती है। तो अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, आप ये याद रखिए लॉस एंजल्स जो है एक वो शहर है वहाँ पर जो है हॉलीवुड स्थित है। और लॉस एंजल्स कहाँ है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया क्या है, यूएसए का एक स्टेट, ठीक है। तो देखेंगे हॉलीवुड पहले प्रेयर लिख लेते हैं। ऊपर ही अमेरिका है,
जंगल, ठीक है, तो देख लेंगे आप इसको, जगह छोड़ देंगे और अपने आप नोट करेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NCERT वाला आप 11th 12th की अच्छे से NCERT करें बस, और वो आपको फ्री में अवेलेबल है।